हिंदुस्तान की सबसे कम आबादी वाली रियासत सिक्किम अपने लाजवाल हसीन कुदरती नजारों के लिए मशहूर है। जब आप नशेब फराज से पुर पहाड़ी रास्तों से गुजरकर सिक्किम में दाखिल होते हैं तो तीस्ता नदी का शोर मचाता हुआ सफेद पानी आपका इस्तकबाल करता है। जैसे ही आपकी कार घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होती हुई राजधानी गैंगटॉक के करीब पहुंचती है तो बौद्ध मजहब की नुमाइंदगी करने वाले फड़फड़ाते हुए दर्जनों रंगीन झंडे आपका खैर मकदम करते हैं। बौद्ध लोगों की इबादतगाह गोम्पा में बजने वाले घंटों की आवाजें, मुकद्दस लिबास में मलबूस, हाथों में घूमती हुई चरखियां लिए मुस्कुराते हुए बौद्ध राहिब यानी लामा आपको खुशामदीद कहते हुए से लगते हैं। गैंगटॉक के रास्ते में आपको साफ सुथरे पानी के बहुत से झरने मिलेंगे। अगर आप रास्ते में थोड़ा रुकने की तकलीफ गवारा करें तो आपको दूर पहाड़ियों पर याक नाम के कूबड़ वाले बैल देखने को मिलेंगे जो वहां चहलकदमी कर रहे होंगे। वहां कुछ लोग आपको सजे सजाए पालतू याक पर सवारी करने की दावत भी दे सकते हैं। इस रास्ते से हटकर अगर आप चंद किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां आपको टेमी टी के बागात दिखाई देंगे। इन बागात में आला तरीन किस्म की मखसूस जायके और खुशबू की चाय पैदा होती है जो दार्जिलिंग की चाय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां आप मकामी औरतों को चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देख सकते हैं। ये औरतें पत्तियां तोड़ते हुए निहायत मीठे नगमे गाती हैं और कभी कभी रक्स भी करती हैं। यहाँ का पूरा माहौल जादुई सा महसूस होता है। इस खूबसूरत इलाके में अमन पसंद, खुदा परस्त और सादा लोह इंसान रहते हैं, इसलिए जाहिर है कि यहाँ की दस्तकारी दिलफरेब और खूबसूरत भी है और इसमें रूहानियत की झलक भी साफ दिखाई देती है। इस रियासत की दस्तकारी में तानखा सबसे नुमाया है। तानखा रेशम के कपड़े यानी सिल्क पर बनाई हुई पेंटिंग होती हैं जिन्हें लपेटकर स्क्रॉल यानी गोल शक्ल में महफूज रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें खोलकर दीवारों पर आवेजा कर दिया जाता है। जरदोजी या रंगों से बनाई हुई इन पेंटिंग्स को फ्रेम भी किया जाता है और उनको महफूज रखने के लिए इन पर सिल्क का पर्दा डाल दिया जाता है ताकि रंगों की चमक कम न हो जाए। हिंदुस्तान की एक और रियासत अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह की पेंटिंग्स का अंदाज मकबूल है। इस तरह की मुसव्वरी में एक खास तरह की महारत दरकार होती है जिसके तहत हर एक लाइन पहले पेंसिल से बनाई जाती है और बाद में रंग भरे जाते हैं। काम की बारीकी के लिहाज से हर एक पेंटिंग को बनाने में 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक लग जाते हैं। इन पेंटिंग्स में गोल्ड यानी सोने का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी हिफाजत जरूरी होती है। आमतौर पर इन पेंटिंग्स में बौद्ध मजहब से मुतालिक कोई मंजर या किसी बौद्ध बुजुर्ग की तस्वीर होती है। सिक्किम में मौत और पैदाइश हर मौके के लिए मखसूस तानखा बनाए जाते हैं। ये कुदरती बात है कि रियासत में तानखा बनाने वाले मुतादित पेंटर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये आर्ट वहाँ की जिंदगी से पूरी तरह हम आहंग हो गई है। लेकिन इन पेंटर्स में कुछ की अपनी अलग ही पहचान है। 1994 में तानखा पेंटिंग्स बनाने के लिए कौमी अवार्ड हासिल करने वाले नीमा सेरिंग भुटिया एक ऐसे ही मुमताज तानखा पेंटर हैं, जिनकी पेंटिंग्स देखकर रियाजत का जज्बा पैदा होता है। नीमा सेरिंग गैंगटॉक में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स में इंस्ट्रक्टर हैं। वहां रहकर वो न सिर्फ अपने फन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि सिक्किम के नौजवान लड़के और लड़कियों को ये फन सिखाते हैं। उनके ज्यादातर शागिर्दों का ताल्लुक देहाती इलाकों से होता है और वो कुछ खास पढ़े लिखे भी नहीं होते। तानखा बनाने का 4 साल का कोर्स पूरा करने के बाद ये नौजवान इस काबिल हो जाते हैं कि तानखा पेंटिंग्स के जरिए ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्र 14 से 18 साल तक होनी चाहिए, लेकिन तालीमी सलाहियत की कमी पाबंदी नहीं है। डायरेक्टरेट में नौजवान तालिब इल्मों को पहले सादे कागज पर स्केच बनाना सिखाया जाता है। नीमा सेरिंग अपने शागिर्दों को सिर्फ हिदायत ही नहीं देते, बल्कि ब्लैक बोर्ड पर तस्वीरें बनाकर भी दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ऐसी ही तस्वीरें कागज पर बनाएं। वो इस फन पर लेक्चर भी देते हैं और ये भी चेक करते हैं कि तालिब इल्म ठीक ढंग से उनकी बताई गई बातों पर अमल कर रहे हैं या नहीं। अगला मरहला इन तस्वीरों में रंग भरने का होता है। वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि वो बारीक से बारीक ब्रश का इस्तेमाल करें और रंग इतनी महारत से भरें कि रंग लाइनों से बाहर ना निकले। डायरेक्टरेट के ट्रेनिंग सेंटर में एक एम्पोरियम भी है, जहां नीमा सेरिंग और उनके शागिर्दों के बनाए हुए तानखा खरीदे जा सकते हैं। डायरेक्टरेट में आने वाले लोग इन फनकारों के पास खड़े होकर इन्हें तानखा बनाते हुए देख भी सकते हैं। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन शागिर्दों के मुस्तकबिल में कामयाबी के इम्कानात काफी बढ़ जाते हैं। '94 में मैंने नेशनल अवार्ड मिला, तो 93 से अभी तक मैं यहाँ पे टीचर में काम कर रहा था। तो मेरे जानकारी में इतना है कि मेरे हाथ से बहुत सारा स्टूडेंट मतलब यहाँ से पास होके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तानखा में अभी तो बहुत आगे जा रहा है। जब मेरे गुरुजी के टाइम से भी अभी मेरे टाइम में बहुत आगे जा रहा है। करीब साल में कम से कम 10-15 लड़के लोग पास होके जा रहा था। तो इसमें अभी ऐसा नहीं है कि पहले जब मेरे टाइम में सिर्फ भुटिया लपचे यही दोनों जाति सीखता था, अभी ऐसा नहीं था। जब मैं यहाँ पे गुरुजी बन गया तब से तो सभी जाति, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जात का कोई पाबंदी नहीं है, सभी इसमें सीख सकता है, सीख के जा भी रहा है, इससे पैसा बहुत कमा रहा है। क्योंकि ये तानखा ऐसा चीज़ है कि सिर्फ तानखा ही नहीं है, इसमें सब भी पेंटिंग करके, जैसे सिक्किम में बहुत सारा गोम्पा मंदिर ये सब होता है, उसमें भी पेंटिंग करना पड़ता था। कोई भीतर का पेंटिंग होता है, कोई बाहर विंडो डोर ये सब पेंटिंग का। इसमें लड़का लोग कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़का कम भी पड़ जाता है, इसलिए ये बहुत आगे जा रहा है। ये ऐसा चीज़ है कि तानखा भी अगर बढ़िया से सीख लिया तो सिर्फ तानखा यहीं नहीं है कि विदेश में भी चला जाता है। नेशनल अवार्ड याफ्ता नीमा सेरिंग अपने शागिर्दों को तानखा पेंटिंग्स के अलावा बांस पर मुसव्वरी करना भी सिखाते हैं, जिसका रिवाज अब बहुत कम होता जा रहा है। इस किस्म की पेंटिंग्स के लिए पहले कागज पर स्केच यानी तस्वीर के खाके बनाए जाते हैं। इसके बाद कागज को बांस पर रख दिया जाता है और फिर छेद करके लाइनें बनाई जाती हैं, जिससे बांस पर एक नक्श बन जाता है। इसके बाद बांस पर खुदाई करके डिजाइन बना दिया जाता है और आखिर में इस डिजाइन में जरूरत के मुताबिक रंग भर दिए जाते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ने कुछ और कौमी और रियासती इनाम याफ्ता फनकारों को बतौर उस्ताद रखा हुआ है। तांगे लेपचा जो रियासती इनाम याफ्ता हैं, अपने शागिर्दों को लेपचा हैट बनाना सिखाते हैं। नौजवानों में ये हैट बहुत मकबूल हैं, लेकिन इन्हें बनाने का फन बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। हैट बनाने की ये ट्रेनिंग 1 साल की होती है और इस ट्रेनिंग को हासिल करने वाले तालिब इल्मों को 700 रुपए माहाना वजीफा मिलता है। हालांकि ये ट्रेनिंग मुश्किल है, मगर फिर भी मास्टर ट्रेनर्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि नाबीना अफराद या माजूर लोगों को उनकी सलाहियतों के हिसाब से कुछ चीजें बनाने की तरबियत दी जाए। दोलू भुटिया को 1991, 1993 और 1996 में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट हासिल हुआ था। वो नौजवानों को मास्क यानी मुखौटा बनाना सिखाते हैं। 2 साल के इस कोर्स में वो अपने शागिर्दों को मिट्टी और लकड़ी के मास्क बनाना सिखाते हैं। ये मास्क रंग बिरंगे होते हैं और इनमें बौद्ध देवी देवताओं और राक्षसों के चेहरों की अक्कासी की जाती है। अरुणाचल प्रदेश की तरह सिक्किम में भी रक्स करने वालों के चेहरों पर मास्क लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का अजीलामू रक्स, जिसमें नेकी और बदी का तसादुम दिखाया जाता है और आखिर में फतह नेकी की ही होती है। तांखा की तरह बौद्ध लोगों की जिंदगी में मास्क भी एक अहम रोल अदा करता है। ये मास्क दीवारों पर भी लगाए जाते हैं और इनका एक मखसूस मकसद होता है। सोनम भुटिया एक रियासती इनाम याफ्ता फनकार हैं जिनसे डायरेक्टरेट में मुलाकात की जा सकती है। सोनम देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली कम तालीम याफ्ता लड़कियों को कारपेट बुनना सिखाती हैं। यहाँ भी पहले हाथ से डिजाइन बनाए जाते हैं और इसके बाद कागज को देखकर डिजाइन को कारपेट पर बनाया जाता है। इस रियासत के कालीन काफी मुख्तलिफ हैं, जिनमें तिब्बती और बुद्धिस्ट डिजाइन होते हैं। डायरेक्टरेट गुड़िया बनाने के कोर्सेज भी चलाता है जो यहाँ के नौजवानों में काफी मकबूल है। यहाँ बनाई गई गुड़ियों की खासियत यह है कि ये सिक्किम के रिवायती स्टाइल की होती हैं। इनमें सिक्किम की फोक कहानियों के स्टफ्ड पांडास और दीगर किरदार शामिल होते हैं। यहाँ एक मल्टी क्राफ्ट सेंटर भी है जहाँ तरबियत हासिल करने वालों को बैग्स, हाथ से तैयार किया जाने वाला कागज, फाइल कवर्स और इस्तेमाल की जाने वाली दीगर चीजें बनानी सिखाई जाती हैं। काबिले तारीफ बात यह है कि सिक्किम की रियासती हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले इस इदारे में तरबियत हासिल करने वालों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए न सिर्फ मुफ्त तरबियत दी जाती है बल्कि तरबियत के दौरान उन्हें स्टाइपेंड और यूनिफॉर्म भी दी जाती है। यहाँ उनके लिए जो रियासत के दूर दराज इलाकों से आते हैं हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। रियासत की इस दस्तकारी के लिए इस तरह की हौसला अफजा बातें इसे हमेशा महफूज रखने में सूदमंद साबित होंगी। जब आप डायरेक्टोरेट से एमजी रोड की तरफ जाएंगे तो आपका सामना एक बासलाहियत कौमी इनाम याफ्ता फनकार से होगा। ये फनकार है बाबू काजी शाक्य जिनकी दुकान मेन मार्केट में है। बाबू काजी को सोने और तांबे की कलाई वाले मेटल क्राफ्ट यानी धात की कारीगरी के लिए 2009 में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। उनके बनाए हुए पत्थरों के जेवरात, इबादत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चरखियां, और दीगर सजावटी सामान सिक्किम के मखसूस डिजाइनों से मुतासिर होकर बनाए गए हैं और इन मौजूदात की बिक्री भी खूब होती है। उनकी बनाई हुई भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति काबिल जिक्र है जो राबोंगला में आवेजा है। धात और फाइबर के अलावा मिट्टी से बनी हुई ये मूर्ति बाबू काजी का एक शाहकार समझी जाती है। बाबू काजी छोटे आइटम्स भी बनाते हैं। उनकी दुकान में तैयार किए जाने वाले महात्मा बुद्ध के मुजस्समे और दीगर देवी देवताओं की मूर्तियां इसके अलावा जेवरात, लोग खूब पसंद करते हैं क्योंकि उनके डिजाइन अलग होते हैं। ये डिजाइन रियासत के कई रक्स के प्रोग्रामों में देखे जा सकते हैं, जहां हाजरीन खूब लुत्फ लेते हुए नजर आते हैं। हमको नेशनल अवार्ड मिला है। अब दिल्ली में सब मंत्री लोग, बड़ा बड़ा आदमी लोग ने हमको बहुत समझाया है, जो आप जितना हाथ में कलाकृति है वो आप मर जाने से तो आप खुद ले जाएगा, उसको कुछ किसी को देने के लिए ये स्कूल जैसे खोलो, सिखाओ, वो सब हम लोग ने मदद कर देगा बोला था। इसलिए हमारा सिक्किम सरकार ने भी ऐसे बोला। अभी मेरा फैक्ट्री में ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए खोल दिया, 2 बार कर चुका है, 8-10 आदमी लोग। अभी तो ऐसे है ना, मेरा जितना कारीगर लोग आता है, काम करता है, एकदम काम सब सीख जाता है। अभी अपने अपने दुकान खोलता है, अपने अपने काम करने लगा कोई कोई। बाबू काजी के बेटे बिजॉय शाखिया को भी कौमी इनाम से नवाजा जा चुका है। 1994 में बिजॉय को तांबे और सोने के ड्रैगन कुबेर की मूर्ति बनाने के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। अच्छा, ये काम तो मैंने बचपन से पिताजी से सीख कर आ रहा हूँ। मुझे 14-15 बरस से मैंने ये काम सीखने में इंटरेस्ट लिया, 6-7 बरस भी लगा हमको। लेकिन ये काम ऐसा है, ये क्रिएटिव काम है। जितना हम लोग आइडिया लेकर काम करता है, जितना अब न्यू मॉडल का डिज़ाइन वगैरह आता है, उसी के ऊपर अब काम करते करते हम लोग का और ज़्यादा ये वर्क इम्प्रूव होता जाएगा। और यही काम के आधार में हमको 1994 में नेशनल अवार्ड भी मिला। दिल्ली में गया था, दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर से मिला था 1994 में। अभी ये काम का बहुत डिमांड है। वो गैंगटॉक और रुमटेक के बीच के रास्ते पर वाक़े दूर दराज इलाके साजोंग में रहते हैं और वहाँ उनकी अपनी वर्कशॉप है। अपनी वर्कशॉप में बिजॉय ने न सिर्फ अपनी बीवी और बेटे को बल्कि और भी बहुत से फनकारों को ट्रेनिंग दी है। आज ये फनकार अपने फन के नमूने बनाकर आजादाना तौर पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये फैक्ट्री तो मैं रनिंग कर रहा हूँ करीब 13-14 बरस हो गया है। और इधर मैं स्टूडेंट लोग को, ये जो लोकल विलेज, लोकल सिक्किमीज हैं, उन लोग को जो पसंद करके आता है, हमको ट्रेनिंग दो, हमको सिखाओ बोलता है, वो हिसाब से हम सिखाता है। वर्ष में एक बार करीब 6 महीना का ट्रेनिंग लेता हूँ। ट्रेनिंग देकर अब 6 महीना में जो स्टूडेंट अच्छा काम करता है उसको मैं इधर ही काम में लेकर रखा हूँ। कोई को सैलरी बेसिस में दे रहा हूँ। मेलों और त्योहारों में बाबू और बिजॉय काजी की बनाई हुई चीज़ें खूब बिकती हैं और गैर मुल्की लोग भी इन चीज़ों को खरीदते हैं। उनकी बनाई हुई भगवान बुद्ध और दीगर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की मांग हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी मुमालिक में भी खूब है। दस्तकारों की बनाई हुई मसनूआत की फरोख्त से उनके ख़ानदानों की परवरिश होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें दस्तकारी को पेशे के तौर पर अपनाएं, तो हमें दस्तकारों के बासलाहियत हाथों की बनाई हुई मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़रीदना होगा और उनके पेशे को माली एतबार से पुरकशिश बनाना होगा।